हेलो दोस्तों, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। आज आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं इन द मूड ऑफ, यानी यूज ऑफ इन द मूड ऑफ। जैसे बोलते हो सेंटेंस कि आज मैं पढ़ने के मूड में नहीं हूं, आज मैं खेलने के मूड में हूं, ठीक है ना। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए सब्जेक्ट क्या रखना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर है क्या रखना है आपको, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद इन द मूड ऑफ, उसके बाद क्या रखना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V1 में जब ing प्लस कर देते हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हो ing जोड़ देते हो, तो वही क्या बन जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। उसको रखना है, उसके बाद क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब इज एम आर में से तीनों में से कोई एक यूज होगा। रूल देख लीजिए कहां, जब सब्जेक्ट हमारा ही सी इट नेम यानी सिंगुलर नंबर में रहेगा तो इज, आई रहेगा तो एम, और यू वी दे यानी प्लूरल नंबर में रहेगा तो क्या लगाएंगे हम आर लगाएंगे। चलिए कुछ सेंटेंस है हमारे सामने, जैसे मैं पढ़ाने के मूड में हूं, मैं पढ़ाने के मूड में हूं, सबसे पहले क्या रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी मैं का क्या हो जाएगा आई, उसके बाद इज एम आर के साथ क्या रखना है, तीनों में से एक रखना है ना, तो आई के साथ क्या लग जाता दोस्तों, आई के साथ एम लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई एम। उसके बाद उठा के क्या रख देना है इन द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ, मूड ऑफ, उसके बाद वी फोर यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आई एनजी, तो वर्ब क्या है इसमें पढ़ाना ना, टीच मतलब पढ़ाना होता है, तो आई एनजी लगा देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा टीचिंग, क्या हो जाएगा टीचिंग। आई एम इन द मूड ऑफ टीचिंग यानी मैं पढ़ाने के मूड में हूं। अगला सेंटेंस चलते हैं, वह खेलने के मूड में है, सॉरी वह खेलने के मूड में है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले क्या रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा ही, उसके बाद ही के साथ क्या आता है जरा देखिए, ही शी नेम के साथ क्या आ जाएगा इज, क्या रख देंगे इज, उसके बाद इन द मूड ऑफ, पूरा का पूरा रख देना है, क्या है इन द मूड ऑफ, मूड ऑफ, उसके बाद क्या रख देना वी फोर यानी भैया खेलने का क्या होता प्ले, तो क्या रख देंगे प्लेइंग, पी एल ए वाई आई एन जी, आई एन जी वाले आई वन जी वाला फॉर्म क्या होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। अगला, आप लोग पढ़ने के मूड में हैं, ठीक है ना, आप लोग पढ़ने के मूड में हैं, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा भैया यू, क्या हो गया यू, अब यू के साथ क्या लगाएंगे हम आर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा आर, यू आर, अब उसके बाद क्या रख देना इन द मूड ऑफ, ठीक है ना, इन द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ, पढ़ने का क्या होता दोस्तों रीड यानी आईएनजी वाला फॉर्म लगा देंगे, क्या हो जाएगा रीडिंग, क्या है यू आर इन द मूड ऑफ रीडिंग यानी आप लोग पढ़ने के मूड में हैं। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, यदि वीडियो समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो एक सेंटेंस आपके लिए है, होमवर्क है, ट्रांसलेट जरूर करके बताइएगा क्या है, मैं पढ़ने के मूड में हूं, मैं पढ़ने के मूड में हूं, इसको ट्रांसलेट करिए, हम देखना चाहते हैं आपको कितना समझ में आया। तो चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।